हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र, डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 8, और हम पहले चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। और पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में जो रिवीजन पॉइंट है रिवीजन पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपका इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, और इसके बाद आपका रेशनल नंबर क्या होता है, और आपका था इसके बाद आपका था कंपेरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, और इस पे आपकी दो वीडियो बन चुकी है, ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, और प्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूं। आप क्या करिए, उन सभी वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो आपको कैसे बुक में दिया है, ये कहा है कि अगर ये आपका मॉड यक्स है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, यक्स होगा। अगर मॉड के अंदर माइनस यक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, यक्स ही होगा। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये चीज़। अब देखो कैसे हम ये यक्स आपको क्या बता रहा, कोई भी नंबर है या आपका कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने कहा -2/3। अब इसका आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड में लिखना -2/3। अब इसका क्या होगा, इसको आपको क्या करना, एब्सोल्यूट वैल्यू में बनाना। एब्सोल्यूट वैल्यू में बनाने के लिए ये जो आपका मॉड है, ये मॉड सिंबल है, मॉड को हटाने के लिए जैसे आप मॉड हटाओगे, ये जो निगेटिव सिंबल है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो, अगर यही नंबर जो दूसरा है, ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, अगर ये 2/3 है तो देखो कभी भी आप निगेटिव नहीं, एक कंडीशन याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव होती है हमेशा। तो ये देखो आपका 2/3 है। अब कहा गया कि इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बताओगे, मॉड 2/3। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, केवल यही मॉड हटा दो और सीधे यही लिख दो 2/3। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे इस ए माइनस था तो ए पॉजिटिव बन गया, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करते हैं, ऐसे -2/3 लिख देते हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। पहली एक्सरसाइज की ये लास्ट पॉइंट है, और यही आपका जो पहली एक्सरसाइज है, ये तीनों पार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जो आपके पहली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, जितनी चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ, सब आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा और आप एक्सरसाइज इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, अभी आपको हम क्या बताएंगे, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब ध्यान से सुनो, आप पिछले क्लास में नंबर लाइन पढ़ चुकी हो, और नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको सिखा देता हूँ कि नंबर लाइन कैसे होती है, उस पर हम कैसे किसी भी नंबर को या किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस जब आपको रेशनल नंबर को दो प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। पहला आपका क्या है, टू रिप्रेजेंट ऑफ अ रेशनल नंबर फॉर्म P/Q वेयर Q इज ग्रेटर देन P, ठीक है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन सेम यही है, P/Q जहां पर आपका P इज ग्रेटर देन Q, क्या होगा, आपका ये जो न्यूमिनेटर है, फर्स्ट कंडीशन में न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और सेकंड कंडीशन में क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। दो मेथड पे आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, पहले नंबर लाइन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पहला और दूसरे कंडीशन को यूज करके नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो पहले हम क्या करते हैं, आपको नंबर लाइन के बारे में बता देते हैं। देखो मैं ऐसे क्या करता हूँ, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करना है, सेम जैसे इंटीजर बनता है ऐसे बनाना है। तो साथ साथ में आप भी बना लीजिए, या आप अच्छे तरीके से सुनिए, और आपको ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरी। आपको ये जितना पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप अच्छे तरीके से लिख लेना। यहाँ पर अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। ये मान लो आपका ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 4, ये जितना रहेगा सब इक्वल डिस्टेंस रहेगा, याद रहे। ये आपके बुक में पूरा लिखा है, और आप बुक नहीं पढ़ोगे फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपकी वो पॉइंट हो गई, ये आपका हो गया 1 पॉजिटिव में, 2 3 4, ऐसे हो गया ये -1, ये -2, -3, -4, और ये आपका हो गया -5। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ऐसे जब भी आपको कोई भी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपका दो होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, एक निगेटिव होता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव में आप ड्रा करोगे, अगर निगेटिव पूछेगा तो आप निगेटिव में ड्रा करोगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए हमको इंटीजर जैसे होता है वैसे हमको ये लाइन बनाना पड़ता है। अब ध्यान से सुनना। अब देखो आप जब अपनी स्केल में देखोगे तो स्केल में यहाँ पर आपके कितने पॉइंट होती हैं, 10 पॉइंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी पॉइंट हो गई, छोटी छोटी, 10, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, बीच में ये लाइन बनी होती। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, इसको समझना है, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल ए, 1 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो डायरेक्टली आप पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सीधे आप बता दोगे ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर। ये आपका यहाँ पर नंबर लाइन पे शो हो गया। और यही चीज़ अगर ऐसे मिल जाए आपका 5 बाई, यहाँ पर आपका 3 बाई 5, इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ये रेशनल नंबर हुआ या आपका फ्रैक्शन में मिला, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो एक कौन सा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पर सिंबल नहीं कोई लगा तो समझ जाना है पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब आपको शो करना है 3 बाई 5। अब 3 बाई 5 कहाँ आएगा, हमेशा निगेटिव, भूल जाओ, निगेटिव में नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव में यहीं कहीं आएगा। अब वो कहाँ आएगा, एक कह रहा है कि 3 बाई 5, 3 बाई को आप 3 बाई 5 को आपको शो करना है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यहीं पर शो कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो आपको 0 और 3 0 सॉरी, ये जो आपको 0 और 1 के बीच में जो लाइन दी गई है, इन्हीं लाइन पे एक कहीं आएगा। अब देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझना। मैं आपको रिवीजन में और स्टार्टिंग पॉइंट में ये चीज़ बताया था, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर ये देखो सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1, ठीक। तो ये आपको दिखाई, ये आपको शो नहीं किया जाता, बस आपको ये समझना रहता है कि ये सब क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं। अब आपको 3 बाई 5 बताना है, तो 3 बाई 5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसे मैं क्या करता हूँ, अलग से यहाँ बना लेता हूँ, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये 0 था और ये 1 था, और बीच में ये जैसे आपकी स्केल होती है, स्केल पे 10 पार्ट होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे यहाँ पर 10 पार्ट हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये आपके रेशनल नंबर हैं फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पर हमें 3 बाई 5 शो करना है, 3 बाई 5 शो करना है पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव में है। जब भी 3 बाई 5 को आपको शो करना रहेगा, ये हमेशा कहाँ आएगा, इसी पॉइंट के बीच में आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर इस चीज को आप डिवाइड करते हो, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, रटने की कोशिश मत करना। 3 बाई 5 को डिवाइड करना है, तो 3 बाई 5 को जब आप डिवाइड करोगे
तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 3/5 को डिवाइड करोगे तो बताओ क्या ये 5 के टेबल में कभी 3 आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं। अब बताओ 5 के टेबल में कितनी बार में कट जाएगा? यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ 6 लगाओ, 6 टाइम में ये आपका कट जाएगा। तो अब बताओ 0 पॉइंट, इसे अगर हम लिखें तो 0.6 कहाँ आएगा? इसी तो जीरो जीरो और वन के बीच में ही तो अलाई करेगा भाई, यहाँ जीरो है तो बताओ जीरो और वन ही के तो बीच में अलाई करेगा, और कहीं अलाई करेगा? नहीं करेगा। तो कभी भी आप गलती से 1 और 2, 3 और 4 के बीच में नहीं बना सकते हो। ये बात समझ में आई? यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ऐसे आप क्या करना, डिवीजन कर लेना। तो डिवीजन करोगे तो यहाँ पर देखो 0.6 दिखाना, तो 0.6 तो यही तो आएगा। आप स्केल भी खींचते हो, जैसे मैंने कहा कि स्केल आपको खींचना है 0.6। अब 0.6 खींचना है स्केल पे, तो जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो बताओ ये जीरो है आपका और ये वन है, तो वन के बीच में क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आपके छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट हैं। अब देखो छोटे छोटे पार्ट हैं तो जीरो, अब जीरो से स्टार्ट करते हो, जीरो के बाद पॉइंट लगा, ये पॉइंट क्या होता है, ये एमएम हो गया, और यही जो छोटी छोटी पॉइंट होती है एमएम बताता है। तो बताओ यहाँ से काउंट करो कितनी बार, 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही आपको क्या बताता है, 0.6 आपका ए नंबर लाइन पे शो करते हैं ऐसे। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि 3/5 को हम 1, 2 और 3 के बीच में कहीं नहीं डिनोट कर सकते हैं, जब भी हमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा 0 और 1 के ही बीच में आएगा। अब समझ में आ गया? तो ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि 0 और 1 के बीच में ही अलाई करेगा ये 3/5। तो 3/5 को आपको शो करना, तो यहाँ से 0 से काउंट करो, 1, 2, 3, यही आपको क्या बताता है 3/5, 1, 2, 3, यही आपको क्या बताता है 3/5, ये आपका हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ता है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो अगर इसी के पहले मैं माइनस लगा दूँ तो ऐसे माइनस लग जाएगा, तो कहीं पर यहीं पर आएगा आपका -3/5 ए पॉइंट। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि कैसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको क्या करना है, किसी भी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम पहले क्या पढ़ते हैं, पहली कंडीशन, पहले कंडीशन पे अच्छे से समझते हैं और एग्जांपल से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही है, बट आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप कभी भी नहीं भूलोगे, और उसको वीडियो अंत तक ज़रूर आप लोग देखें और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कभी भी, और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। अब ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर लाइन बना लेता हूँ जो पहले बनाए थे जैसे। अब देखो, जब आपको टू रिप्रेजेंट ऑफ अ रेशनल नंबर फॉर्म बाय पी बाय क्यू, अब इसका मतलब क्या, ये पूरा केवल यही आपको याद रखना है और यही चीज़ आपको समझना है। अगर जो स्टूडेंट ये चीज़ समझ गया तो उसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दोगे आपके लेवल पर, तो आप उसको अच्छे तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये क्या कहता है, पी बाई क्यू आपका रेशनल नंबर है, और इसी P को कहते हैं न्यूमिनेटर, और इसी Q को कहते हैं डिनोमिनेटर, ये भी आप जानते हो। और ये वेयर, वेयर मीन्स कहा गया जहाँ, आपको कहा गया P लेस देन Q, मतलब Q इज़ ग्रेटर देन P, इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से बड़ा है। जैसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, ये चीज़ समझ में आया कि आपको यहाँ ये देखना है कि जो न्यूमिनेटर रहेगा हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, तब आप क्या करोगे, ये जो है इसी 0 और 1 के ही बीच में अलाई करेगा, 0 और 1 के ही बीच में ये नंबर जो है पहली कंडीशन यहीं पर अलाई करेगा, और इधर कहीं नहीं अलाई करेगा, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव में ऐसे अलाई करेगा। ये चीज़ समझ में आई? पहली चीज़, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या लिया, 6/7, ये आपका देखो कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, 1a और 1a, ये आपका दो रेशनल नंबर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है,
तो देखो जैसे हम पहला सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहला जो आपका 6/7 है, इसको क्या करो न्यूमिनेटर लिखो, एक कंडीशन फॉलो कराओ। इसके बाद ये देखो आपका डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमिनेटर से। क्या देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है भाई, ये आपका देखो ऐसे है कि नहीं, ये देखो है ना, ये आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर है और ये आपका न्यूमिनेटर है। तो देखो ये जो 7 है और ये 6 है, तो 7 बड़ा है ना, इट मीन्स डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं पहली कंडीशन फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही ऐसे मिले आपको कोई भी रेशनल नंबर मिलता है 6/7, अगर 6/7 रेशनल नंबर मिलता है, ये 6/7 रेशनल नंबर हमेशा आपको 0 और 1 के ही बीच में बनेगा और कहीं नहीं बनेगा, इसको आप एकदम याद कर लो, यहीं पर बनेगा। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना, बट ये कंडीशन जब रहेगी तब ये याद रहे कि जो आपका ये न्यूमिनेटर है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, इसको आपको याद रहे। अब इसको सॉल्व करना, इसको आपको करना है, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर जूम करके आपको और अच्छे से बताते हैं। ये आपका 1 था और ये आपका 0 था और ये बीच में आपके 10 पार्ट थे, 10 पार्ट हो गए। अब देखो हमको कितना करना है 6/7, हमको कितना करना है पॉजिटिव में 6/7, और मैं आपको पीछे भी बताया था अगर 6/7 को 6 में 7 से भाग दो क्या कभी जाएगी भाग, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ यहाँ 0 बढ़ाओ, कितनी बार जाएगा 8 टाइम, यहाँ पॉइंट लिखो और यहाँ पर आप लिख दो 56, तो इसको सेपरेट करोगे, यहाँ आया पॉइंट में ये चीज़, ठीक है, A4 आया। तो अब ये देखो आपका खुद पॉइंट में आ रहा 0 पॉइंट, तो इसका मतलब ये क्या करना आपको यही 0 और 1 के बीच में अलाई करेगा, और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब हमको 6/7 करना है, तो अब कहोगे सर जी ये तो फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करेंगे, आपको पढ़ाया गया है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अब ये एमएम वाला है, तो देखो ध्यान से ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ सबको क्या कर दो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये अपने से गेस करना, ये 7/7, 8/7, 9/7, ये हो गया। अब ध्यान से समझना, इसको आपको नहीं कुछ करना है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं, न्यूमिनेटर कितना है 6, अब यहाँ से 6 पार्ट काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आपका 6 क्या बताएगा, देखो यहाँ पर आपका आ गया क्या 6/7, और यही 6/7 आपको क्या करता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बताता है, और इसी को मान लो पॉइंट पी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये वाला देखो जो दूसरा प्रश्न है -/6 है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो निगेटिव में चलेंगे, 0 और -1 के बीच में ही कहीं पर आपका 6/7 आएगा, क्यों आएगा, जैसे कि ये आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो इसीलिए यहीं पर कहीं फॉलो करेगा, इधर कहीं नहीं और आएगा 0 और -1 के बीच में। तो ऐसे यहाँ पर देख लो 1, 2, 3, 4 इधर हो गया 6, ये चीज़ 10 पार्ट है, तो यहाँ से काउंट करो कितना, जैसे यहाँ सेम लिखे हैं ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा -1, ऐसे -2, फिर -3, फिर -4, -5, मतलब ऐसे ही आपका लिखा हुआ है -1, -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, तो यहाँ पर आप ऐसे 7 लिख लो सबके नीचे। तो अब देखो यहाँ से काउंट करो न्यूमिनेटर कितना 6 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आपको क्या बताता है -6/7, इसको P मान लो और इसको निगेटिव में लिख लो 7, -6/7। तो उम्मीद करते हैं पहले कंडीशन को कैसे आपको यूज करना है और ये कहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हमेशा अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में, अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में ये आपको रिप्रेजेंट होगा। बस इसमें आपको एक कंडीशन याद रखना है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमिनेटर छोटा होगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यहाँ से आपको याद रखना है, ए क्या कह रहा है, P by Q, जहाँ पर P is greater than Q, इसका मतलब क्या है कि ये जो P है और ये जो Q है, एक कह रहा है कि न्यूमिनेटर A आपका क्या है, न्यूमिनेटर है, A आपका डिनोमिनेटर है, कह रहा है कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसी चीज़ को लिखा है P is greater than Q, ये चीज़ दोनों सेम है, तो इसमें क्या कहेगा कि जो आपका न्यूमिनेटर होगा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये आपका है 13/3, ये आपका देखो कोई आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन -13/3, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ध्यान से सुनना, ये 13/3 है, पहले देखो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो कहा जाएगा न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा है, तो हम कह सकते हैं ए वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसी पे इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अब ध्यान से समझना, ए आपका क्या है 13/3, ए आपके शायद बुक का एग्जाम्पल है, शायद यहाँ 14 होगा तो हम 13 लिए हैं, ध्यान से समझना, अब इसको आपको क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से समझ लो, पहले हम क्या करेंगे, कहीं पर भी 13/3 आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेशनल नंबर को आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, इसको क्या करो डिवाइड कराओ, किससे 3 से, कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट करो और यहाँ 1 बच गया, अब इसको कैसे लिखना है, बहुत से स्टूडेंट को लिखने नहीं आता है, तो पहले ये देखो आपका कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक फार्मूला कभी भी नहीं बोलोगे, यहाँ पर आपको क्या होगा कोशेंट, यहाँ पर आपका क्या होगा रिमाइंडर, और यहाँ पर आपका होगा डिवाइजर, और ऑलवेज जो डिवाइजर, इट मीन्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर यहाँ पर भी आएगा जब आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे, इस चीज़ को याद रखना, और आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया होगा, टीचर पढ़ाए होंगे, तो देखो पहले हमको क्या करना, कोशेंट, यहाँ ऐसे कोशेंट लिखो जिसे होल नंबर कहते हैं, इसके बाद रिमाइंडर कितना है 1, और इसके बाद यहाँ पर 3, और इसको क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको 1 ऐड कर दो, ए आना चाहिए, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ोगे 12, और 12 में 1 ऐड करोगे 13, तो बताओ अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 13/3 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3, क्लियर, अब इसको शो करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, कहाँ तक 4 सही 1/3, ठीक है, इसको आपको शो करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पे, पहले आपको ध्यान देना है एक कौन सा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, इधर ही बनेगा, तो हम क्या करते हैं, इधर मान लेते हैं आपका ए 1 है, और डॉट 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 करके यहाँ पर आपका ए 4 है, और यहाँ पर आपका 5 है, क्लियर, ए 4 है और 5 है, अब इस 4 को अलग कर लो, ए 4 अलग हो गया, तो इधर पॉजिटिव में देखो ए 4 हो गया, ठीक है, 4 के बाद 1/3 करना है, और ए भी आपका रेशनल नंबर है, मतलब 4/1, नीचे कितना है 1 है, बट ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा उखा नहीं है, अपने से समझ लो कि ये 4/1 है, तो 4/1 है, तो यहाँ से 1 गायब करते हैं, और ये रेशनल नंबर 4/1 है, ये 4/1 हो गया, अब इसके बाद 1/3 दिखाना है, तो 1/3 इधर आएगा कि इधर आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव बढ़ता है घटता नहीं है, तो इधर कहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपके क्या है बीच में mm है, और यही चीज़ आपका आएगा 1/3 यही कहीं पर, तो इसको हम क्या करते हैं आपको बड़ा करके दिखाते हैं यहाँ बना के, ठीक, ए आपका है, अब ए 4 पहले मिला, ए 4 हो गया आपका, 4 हो गया, इसके बाद देखो 1/3 है, तो 1/3 है, तो यहीं पर कहीं होगा 1, 2, 3, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ नीचे कितना लिखना है, जो यहाँ डिनोमिनेटर जो रहेगा वही यहाँ अपने से लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर, अब आपको कितना शो करना है 1/3,
वन बाई थ्री क्या है, देखो फोर के बाद यही तो है, यही तो आपका है वन बाई थ्री, और यही आपको क्या बताता है फोर होल वन बाई थ्री, यही आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया फोर वन बाई थ्री, और देखो यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको निगेटिव का केस बनाना है, तो निगेटिव का केस सपोज दैट ऐसे मान लो ए फोर है, यहाँ पर डॉट डॉट करके ए आपका फोर है और ये आपका फाइव है, निगेटिव में है, तो निगेटिव में हो जाएगा फोर, इसको ऐसे लिख लो, क्लियर, ए फोर हो गया और फोर के बाद यही कहीं वन आएगा, तो आपका ये हो गया माइनस फोर वन बाई थ्री, ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे ही क्या करना है, दोनों कंडीशन को देखना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशन को, जो पहली कंडीशन बताया हूँ जो सेकंड कंडीशन बताया हूँ, इन कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, अगर न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो ये जीरो और वन के बीच में कभी भी नहीं अलाई करेंगे, हमेशा जीरो वन के बाद ही कहीं पर आ सकता है, ठीक है, और अगर पहली कंडीशन रहेगी तो जीरो और वन के बीच में ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आज से आपकी ये पूरी टॉपिक, मतलब जो एक्सरसाइज के पहले क्या पढ़ना है ये पूरा हम क्या किए हैं, ख़त्म कर लिए हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज करना है। एनसीईआरटी बुक से आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले जो चीज़ आपको समझना था अच्छे तरीके से समझ लिए हो। अब आपको क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आपको कल या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज दी गई है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो समझ जाना वो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, थैंक यू।